हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कल परसों हमने किया था एक टेम्पू रेस्क्यू, आज कर रहे हैं भाई ट्रक को। और ट्रक 6:30 बजे है भाई, निखिल का मुझे कॉल आया था। निखिल तो यही काम करता है, उसको पता है भाई भाई बैठा है, ट्रक फंसाओ ट्रैक्टर फंसाओ भाई आ जाएगा। तो अभी भी भाई निखिल के पास जा रहे हैं, वहां पे ट्रक फंसा हुआ उसको रेस्क्यू करने जा रहा हूँ। अब वहां पे चल के देखते हैं भाई कैसे फंसा हुआ है ट्रक और कितनी सिचुएशन खराब है कितनी सही है। तो एक तो मेरी गाड़ी है, दूसरा निखिल का ट्रैक्टर है। चलिए हम वहीं पे पहुंचते हैं, वहां पे दिखाते हैं सिचुएशन क्या है। भाई देखो कितने बंदे बैठे हुए हैं भाई, देखो ये फंसा हुआ भाई ट्रक का टायर इस साइड को, लेकिन अगर इस साइड को करेंगे तो ट्रक इस साइड को आएगा, उल्ली साइड को। अब तूने क्या विचार बनाया कैसे करना है? लगी ना बताना कुछ नहीं, गड़िया जोर भी ताई पैना ना जी, टायर सीधा होगा भाई। ये भी समस्या है भाई, स्टेरिंग भी नहीं काटा जा रहा है, हाइड्रोलिक ही नहीं है। हाँ। ओ यार देखो भाई, हाइड्रोलिक गाड़ी भी नहीं काटी जा रही, परली साइड से ट्रक खाली है सारा। ये देखो भाई, ओ तेरी यार, इस साइड से तो बजरी है भाई। निखिल ये बजरी तो हटानी थी, तो देखी नहीं किसी ने। देख मेरी गाड़ी को ऐसा है ना, ग्रिप मिलेगा तभी खींचेगी, ऐसे में तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हम गाड़ी को भाई रोड पे लगा रहे हैं, ग्रिप गाड़ी का टायर का वहीं पे बनेगा, ट्रैक्टर को पीछे लगाएंगे थोड़ा। नहीं नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं लगाओ यार इसको, इसको ना ऐसा करो नीचे से लगाओ ऐसे भाई, खुल के किसी के सिर पे बजेगा, सिर टूट जाएगा। अब करो अंदरा, इस बीच से करो, इसके बीच से बड़के थे जाना ना, गैप नहीं छेड़ रखी है, ये सिक्स गाड़ी है फंस गई है। समस्या ये आ रही है ना, ये भाई यहाँ पे टो करने के लिए जगह बनाई है। अब देखो भाई, ये जो सो के चक्कर में ना ये चीजें लगाई होती है ना आगे, इनकी वजह से आज काम नहीं हो रहा है ठीक तरीके से, फंसा हुआ ये। आप भी बताओ लगा खींचना कहाँ से, पिछली बार भी ऊपर से ला रहा बटके, तो देख लो लगा दो ऊपर से निकले ना, क्योंकि ये ना अब ये चीज जो है ना टेढ़ी हो चुकी है, ये अब निकलने का डर रहा है। चलिए भाई हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस जैसे लगाए से खींच देते हैं एक बार पे। अब मुझे तो लग रहा है नहीं होगा, निकल जाएगा वहां से, क्योंकि ये भाई ऊपर से लगाया, देखो ये गलत है, ये जो आगे सो लगा दिए ना इसकी वजह से भाई हम यहाँ पे टो नहीं कर पा रहे हैं इसको। अगर हम इसको नीचे से टो करते हैं ना तो जगह ही नहीं है भाई इसको टो करने की। ये भाई उस्ताद जी हैं, इन कितनी टेंशन पड़ी हुई, देखो ये सारा ट्रक इनका फंस गया यहाँ पे, और ये बजरी है भाई, बजरी की वजह से नहीं, देखो इस टायर ने आड़ ले लिया है, ये अड़ गया है टायर, अगर सीधा होता तो थोड़ा सा कुछ हो सकता था, ऊपर से भाई बजरी अड़ी हुई है। अब थार को जोड़ा जा रहा है, चलो जी उस्ताद जी जान दो हो रहा है, पता क्या सीन हो रहा है, ये तो इसको ठोकर बनी हुई है ट्रैक्टर को यहाँ। अब भाई यहाँ पे बनी हुई है ठोकर इसको, ना ट्रैक्टर जो लगा पा रहा है ना हमारी गाड़ी, दूसरा हमारे वाले ये वाले टायर उरली साइड को आ गए हैं, और टायर की घिसाई देखो भाई, वो भाई हे भगवान, वो टायर भी घिस गए भाई, ये वाला कितना टायर घिस गया, और रोड भी भाई टूट गया देखो यहाँ से। अगर चारों टायरों को जोर पड़ता ना रोड के ऊपर तब हो सकता है कुछ, लेकिन ये वाले दो टायर जोर नहीं लगा रहे हैं, ये देख लो ठीक है, ये इस साइड को आ गई गाड़ी। जब तक टायर से बजरी नहीं हटनी ना तो तक कुछ नहीं होना। आपने मुझे किस उम्मीद पे बुलाया था भाई? पहले निकलगा क्या निकलगा, जरा जोर लगना भाई, मैं तो फुल कोशिश कर रहा हूँ, देख लिया तूने, अब थोड़ा टायर का भी देखना पड़ेगा ना, थोड़ा सीधा होगा तभी निकलेगा ये। एक होता जोर से काम लेना, एक होता दिमाग से काम लेना, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा भाई दिमाग से काम भाई, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। सो गाइस, बड़ी मशक्कत के बाद भाई हमने वेट किया, फिर फाइनल भाई जेसीबी लानी पड़ रही है, तो कहीं कहीं हम काम कर देते हैं, हमारी गाड़ी काम कर देती है, कहीं कहीं भाई हमारी गाड़ियां ऐसी फंसती है ना तो लास्ट में जेसीबी आती है, तो बहुत जोर लगाया भाई, टायर भी घिस गए थार के अपने के, और देखो हम बैठे हुए हैं, निखिल बैठा हुआ, ट्रक वाला भाई भी यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बातें चली हुई थी, और फाइनली जेसीबी आ गई है, तो आपको दिखाते हैं कैसे निकलता है, कोई अभी भी कोई पक्का नहीं है निकल जाएगा ये ट्रक, देखो कितना अंधेरा हो गया भाई, मैं यहीं पे बैठा हूँ तब का, और ये देखो जेसीबी आ गई भाई, यहाँ पे काम आएगा भाई हमारी गाड़ी का जो ये टोचन, तो इसको खोलते हैं, चलिए भाई देखते हैं भाई, सीधा करो टायर, टायर सीधा करो, टायर सीधा करो, रुको 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 रुको, नहीं थोड़ा थोड़ा टायर सीधा भी करना, पर साइड बजरी में फंसा टायर ना,
जैसे बजरी पे टायर जा रहा है ना, तो ये वाला उर्दू साइड को आ रहा है। अब ना हम बजरी को थोड़ा साइड कर रहे हैं, क्योंकि टायर ये ऊपर आ रहा है तो परे वाला टायर नीचे को जा रहा है, तो बजरी को थोड़ा सा बकेट से हटाएंगे। तो ये जेसीबी आ रही है, ये लो जी। चलिए भाई बजरी हटा लेते हैं पहले। आराम से आ जाएगा। स्लो भाई, रात को मैं कुछ नहीं दिखा सकता। आ गया। आराम से, रुको, निकल पत्थर पे आने आप ना। चलो भाई, बिल्कुल ना ढीली मिट्टी है यहाँ पे, कच्ची है ना यहाँ पे। आगे वाला टायर यहाँ पे फंसा हुआ था, अब पीछे वाला टायर यहाँ पे आ गया। गाड़ी उल्ली साइड को आ रही है, हमारी साइड को आने नहीं, उतर गया टायर ना, परे वाली साइड बजरी के ऊपर था ना। चलो स्लो करना भाई, परे हकट परे साइड करो, बस। ठीक है भाई, हो यार, रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, जेसीबी से निकला फाइनली, क्योंकि भाई यहाँ पे बिल्कुल स्लो निकलना था और बजरी भी हटानी पड़नी थी। ओ भाई, स्लिंग से देखो कैसी आग निकल रही है। चलो भाई, ट्रक निकल गया है, अब भाई हम भी चलते हैं घर को। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हुआ, तो जगह जगह की बात है। चल दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को जो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने में आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।